एक दिन अचानक एक आदमी सुनसान सी सड़क पर चले जा रहा था। उस एरिया में एक पुलिस की कार राउंड ले रही थी। पुलिस कार उसके पास आकर रुकी और उसकी हालत देखकर पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या वो किसी तरह की मुसीबत में है। वो आदमी पलटा और पुलिस वाला उसे देखकर बहुत घबरा गया। वो आदमी खून से लथपथ था। उसने पुलिस को बताया कि शायद उसने किसी का खून कर दिया है। पुलिस वाले ने उसे उसी वक्त अरेस्ट कर लिया। उस आदमी का नाम था अर्नी जॉनसन। अर्नी जॉनसन अपनी फियोंसे डेबी के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट हुआ। वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे और इसलिए ही अपने रहने के लिए एक बड़ा घर चाहते थे। मगर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जिस खुशहाल जिंदगी के सपने वो देख रहे हैं, वो सपने जल्द ही उनके सबसे भयानक सपनों में बदलने वाले थे। घर बड़ा तो था पर काफी पुराना और गंदा था। शायद कुछ सालों से वहां कोई नहीं रह रहा था। डेबी ने घर की सफाई के लिए अपनी फैमिली से मदद मांगी। अगले ही दिन डेबी के मॉम डैड और उसका 11 साल का भाई डेविड उनके नए किराए के घर में डेबी और अर्नी की मदद करने आ गए। उन सभी ने पूरा दिन लगकर खूब मेहनत से पूरे घर की सफाई कर ली। डेविड को ऊपर वाले कमरे के सभी बेडरूम्स की डस्टिंग करने का काम मिला था। वो सब रूम्स की डस्टिंग कर चुका था और बस अब मास्टर बेडरूम ही बचा था। वो उस कमरे की सफाई करने गया मगर उसके अंदर घुसते ही उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उस कमरे में एक अलग सी ठंड थी। रूम की खिड़की साफ करते करते डेविड को उस खिड़की के बाहर घर की पिछली साइड में एक कुआं नजर आया। वो बहुत ही अजीब सा पुराना सा कुआं था जिसे पत्थरों से कवर किया हुआ था। कुछ सेकंड तक डेविड उसे घूरता रहा मगर फिर उसने खिड़की बंद कर दी। अचानक ही उसे खिड़की के शीशे में एक बूढ़े आदमी की परछाई नजर आई जो कि उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। डेविड बहुत डर गया था और पीछे मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। रात में काम खत्म होने के बाद डेबी के मॉम डैड वापस चले गए मगर डेविड अपनी बहन के साथ कुछ दिन रुकना चाहता था तो वो उन्हीं के घर रुक गया। उस रात जब डेविड अपने रूम में सो रहा था तो उसे अचानक ही लगा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है और वो झटपटा के नींद से उठ गया। उठते ही उसे एक आवाज आने लगी जो कि बार बार उसका नाम पुकार रही थी। वो उस आवाज का पीछा करने लगा और उसे पता चला कि वो आवाज उनके घर के पीछे बने हुए कुएं से आ रही थी। डेविड उस आवाज से जैसे हिप्नोटाइज ही हो गया था। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और वो बिना रुके कुएं की तरफ चले जा रहा था। वो कुआं जो कि पत्थरों से कवर्ड था अब उसके ऊपर कोई भी पत्थर नहीं था। उस कुएं पर पहुंचते ही डेविड वापस होश में आ गया मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविड के सामने उस कुएं में से कई भयानक आत्माएं बाहर निकलीं और सीधा डेविड के अंदर घुस गईं। डेविड वहीं गिर के चीखने लगा और उसे दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें कभी सफेद कभी लाल तो कभी काली हो रही थीं और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। उसकी चीख सुनकर डेबी और अर्नी भागते भागते उस कुएं के पास आए और डेविड की हालत देख उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। मगर डॉक्टर कुछ बता ही नहीं पा रहा था कि आखिर डेविड को हुआ क्या था। उस दिन के बाद से डेविड बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था। वो तरह तरह की आवाजों में और लैंग्वेजेस में बातें करने लगा था। रात होते ही वो उस कुएं के पास जाकर बैठ जाता और कभी कभी तो वो अर्नी के सामने बैठा हुआ रोमन लैंग्वेज में उसे कुछ ना कुछ बुरा भला बोलता रहता। अर्नी और डेबी समझ गए थे कि डेविड के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है तो इसलिए उन्होंने पास के चर्च में बात करके एड और लोरैन वॉरेन से कॉन्टैक्ट किया
वॉरेंस यूएसए के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। वॉरेंस जैसे ही अर्नी और डेबी के घर आए, उन्हें डेविड के पीछे एक बहुत भयानक काला साया दिखा। उनके आते ही डेविड वॉयलेंट हो गया और घर का फर्नीचर उनकी तरफ फेंकने लगा। वो रोमन भाषा में उनको बुरा भला बोलने लगा और बहुत सारे कर्सेस देने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर और चेहरे में एक डेविल की झलक दिखने लगी। वॉरेन समझ गए थे कि डेविड पर एक नहीं बल्कि कई सारी ईविल स्पिरिट्स का पोजेशन है और इसीलिए सिर्फ एक एग्जॉर्सिज्म से डेविड ठीक नहीं हो सकता था। वॉरेंस और चर्च ने मिलकर डेविड पर 3 एग्जॉर्सिज्म्स किए। हर बार एग्जॉर्सिज्म के बाद उसका शरीर जलने लगता, वो हवा में उड़ने लगता और उसके शरीर पर कई सारे चोटों के निशान बन जाते जिसमें से खून भी निकलने लगता था। अर्नी से डेविड की ये हालत देखी नहीं जाती थी और डेविड के आखिरी एग्जॉर्सिज्म के टाइम पर जब डेविड के साथ ये सब हो रहा था तो अर्नी ने गुस्से में आकर डेविल को चैलेंज कर दिया। अर्नी ने सीधा डेविल को चैलेंज किया कि वो छोटे से डेविड के शरीर छोड़कर उसे पोजेस करके दिखाए। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। उस डेविल ने सिर्फ अर्नी को पोजेस नहीं किया बल्कि उसके हाथों नन्हे से डेविड को भी मार डाला और पुलिस ने अर्नी को डेविड के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब अर्नी ने अपने साथ हुई पूरी कहानी जज को बताई तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार किसी मर्डर में अक्यूज्ड इंसान को कोर्ट ने नॉट गिल्टी यानी बेकसूर घोषित कर दिया। अर्नी ने यह कहकर नॉट गिल्टी प्लीड किया, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, द डेविल मेड मी डू इट।